कुछ दिनों बाद लोहड़ी का त्यौहार आने वाला है। वो खूबसूरत त्यौहार जो तो पूरा आसमान रंग बिरंगी पतंगा के नाल भर जाता है, पर फिलहाल उस त्यौहार को मनाने के लिए रंग बिरंगी आकर्षक पतंगा नाल बाजार भर गया है। लोग तरह तरह पतंगा की खरीदारी कर रहे हैं। आस पास के पिंडों तो अमृतसर से लोग आके पतंग खरीद रहे हैं। शादी के बाद पहली लोहड़ी है, तो मैं चाहता था कि ये लोहड़ी स्पेशल हो, इसीलिए मैं यहाँ पे पतंग लेने आया हूँ। उस दिन बहुत भीड़ होती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ दिन पहले ही पतंग लेके जाई जाए। और एक मैं पंजाब के युवा को ये मैसेज देना चाहूँगा कि कभी भी जो चाइना डोर है ये मत यूज़ की जाए, क्योंकि इससे अपना भी नुकसान है और आने जाने वाले राह गिरों का भी नुकसान है। इससे अधिक ज़्यादा बढ़िया हमारी जो पंजाब की डोर है, बरेली की डोर है, वो बहुत बढ़िया है, ये यूज़ की जाए और एक सेफ लोहड़ी मनाई जाए ताकि किसी की जान माल का नुकसान ना हो। आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी मेरी बाइक एकदम से, मतलब उसको रोकी बाइक मैंने, तो जब मैंने देखा तो मेरी गर्दन कटी हुई थी, इतना कट आया और यहाँ तक कि बाकी का कट लग जाना था। इसके लिए मैंने अपना हैंड आगे किया, जो कि मेरे हाथ में भी थोड़ी डोर लग गई। इधर उधर के लोग सारे इकट्ठे हो गए थे, तो मेरी तो यही एक सरकार से रिक्वेस्ट है कि ये जो चाइना की डोर है इसको बंद किया जाए, कि ताकि ये आज मेरे साथ हुआ कि सिर्फ मेरे साथ ही हुआ और किसी के साथ ना हो। मैं तो यही सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आने वाला और कोई शिकार ना हो इस डोर का। मेरी बस इतनी रिक्वेस्ट है सरकार से। अमृतसर तो गजेंद्र सिंह किंग की रिपोर्ट, चैनल 2।